करते रहते हैं। फारूक साहब इससे पहले भी आए, मुझे भी साल डेढ़ साल से ज़्यादा नहीं हुआ है यहाँ इलाके में आते हुए, और लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा है। मौसम ख़राब होने के बावजूद लगातार कल हमने सुबह बानिहाल से शुरू किया, आज सुबह बदरवा में हमारे 4-5 प्रोग्राम थे, अब ठाठरी आया हूँ, यहाँ से किश्तवाड़ जा रहा हूँ, और लोगों का रिस्पांस जो है बहुत ही अच्छा। उमर साहब राजा और उसके बाद अफजल गुरु को जो फांसी दिलाई, मैं उनसे पूछता हूँ ना, आज तक वो कहाँ थे? और जो मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3,500-4,000 जो बहादुर वर्कर और अहदेदार जो हैं वो इन 30 सालों में 35 सालों में कुर्बान हुए, उनकी बात क्यों नहीं कर रहा? वो कितने सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर ज़ख्मी हुए मिल्टनसी के दौरान, उनकी बात क्यों नहीं कर रहा था? और अगर ये सारा सही है तो उसको बोलो मैदान में उतरे ना, उसको कहो मैं आज उनसे कहता हूँ मैदान में उतरे, मेरे खिलाफ कागज़ भरे, उतरे, मैं भी देखता हूँ उसके बात में कितना दम है। जनाब कैमरा के पीछे छुप के बयान देना ये बड़ा आसान है, ज़रा हिम्मत करे ना, अगर मर्द है तो हिम्मत करे, उतरे मैदान में, मैं भी देखता हूँ ना कितने वोट मिलते हैं उसको इन बातों पर। उमर साहब आज़ाद तो बीजेपी का आदमी है ना, वो तो लेगा। हमने ना आप याद करिए, हमने आज़ाद साहब के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला तब तक के जब तक आज़ाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला साहब को उस इंटरव्यू के दौरान निशाना नहीं बनाया। हम तो आज़ाद साहब को दोस्त समझते थे, हमें क्या पता था कि अंदर अंदर से उनकी दोस्ती बीजेपी के साथ है। तो इस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाना ये तो आज़ाद साहब की मजबूरी है, वो बीजेपी को निशाना नहीं बना रहे हैं जितना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं, उसी से आपको पता चल जाता है कि उनकी सियासत कहाँ पहुँची है। उमर साहब